गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार मेरे को फटाफट सभी लोग बता दो, ऑडियो वीडियो सब लोगों को क्लियर है या नहीं है, एक बार बताओ फटाफट। बताइए। हेलो एवरीवन, हेलो रेहान, हाय विकास, कैसे हैं सभी लोग? चलिए, तो आज से हमारी एक सीरीज स्टार्ट हो रही है जो हम डिस्कस कर रहे हैं किस टॉपिक पे, बेसिन इन्फ्रेंस पे, जो सीएसआई नेट के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना? तो फटाफट सभी लोग ज्वाइन हो जाइए पहले, ठीक है ना, फिर स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो यहाँ पे बेसिकली सीरीज में हम पूरा जो भी बेसिन इन्फ्रेंस में आपको यहाँ पर सीएसआई नेट में पूछा जाता है जिस जिस टॉपिक पे, जैसे आपका बेसिन एस्टिमेशन निकालना है, बेस सिरम हो गया, वो सारे टॉपिक को यहाँ पे करेंगे, ताकि आपके जो भी हमारे सीएसआई नेट में क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो डेफिनेटली आप अटेम्प्ट कर पाओगे अगर ये लेक्चर सीरीज आपने पूरी देख ली है। तो इस लेक्चर सीरीज में बेसिकली हम चार लेक्चर कवर करेंगे, ठीक है? कौन कौन से टॉपिक करेंगे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ताकि आप एक माइंड मेकअप कर लेते हैं कि हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो पहले मैं, तो आज से जो हमारी सीरीज स्टार्ट हुई, यानी कि 16th ऑफ मई से, ठीक है ना, शाम को 6 बजे रोज सीरीज होगी हमारी ये, ठीक है ना? तो हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं यहाँ पे पहले मैं बता देता हूँ, ठीक है ना? हेलो एवरीवन, हेलो, ठीक है, देखो यहाँ पे शायद एक सेकेंड, वेट फॉर अ मिनट, एक मिनट, वीडियो पॉज हो गया, लेट मी चेक हुआ क्या, एक मिनट रुकना, ठीक है, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। चलिए अब मेरे को एक बार बता दो जरा कि अब क्लियर है सारी वीडियोस, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना? अब मेरे को बताओ जरा, आप क्लियर है ना सारी चीजें? अब सारी चीजें क्लियर है यार, एक बार बता दो मेरे फटाफट सभी लोग, क्या सारी चीजें क्लियर है? आप ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है ना? यस या नो, सब कुछ क्लियर है क्या? नहीं, फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? मैथमेटिकल के लिए है क्या? हाँ बिल्कुल, सीएसआई नेट मैथमेटिकल साइंस के लिए ही है, ये आपका जो यूनिट नंबर 4 होता है, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन, उसमें ये आपका यूनिट आता है, जिसमें ऑलमोस्ट 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है? तो स्टैट्स वाले तो करते ही करते हैं, अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से है ना, तो भी डेफिनेटली इसको सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को, ठीक है? मैं बिल्कुल बेसिक से आपको समझाने वाला हूँ, ताकि आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है ना? बहुत ही सिंपल टॉपिक है और आसान टॉपिक है, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस सीरीज में हम कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना? देखो तो यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेस थ्योरम के बारे में, क्योंकि यहाँ पे अपन बेसिन इन्फ्रेंस पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हमें जो अप्रोच इसका यूज हो रहा है, बेसिन अप्रोच, तो वो कहाँ से आया है पहले हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि बेस थ्योरम के बारे में। ये हम कई बार ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा भी चुके हैं, ठीक है? इसका हम थोड़ा सा ओवरव्यू आप लोगों को बता देते हैं कि एक्चुअल में होता है क्या है, इससे कुछ क्वेश्चन भी हम कराएंगे, ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है ना? फिर उसके बाद मेन जो हमारा बेसिन इन्फ्रेंस है उस पर हम आएंगे, दैट इज प्रायर एंड पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, यानी कि हमारा प्रायर और पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी क्या होता है, नाम से वैसे समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत, बट इसको हम समझेंगे डिटेल में, ठीक है? फिर उसके बाद आता है टाइप ऑफ द प्रायर, यानी कि जो प्रायर प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन होगा हमारा, उस कौन कौन से टाइप है हमारे। फिर उसके बाद आएगा हमारा लॉस फंक्शन क्या होता है, बेस रिस्क क्या होता है, क्योंकि ये बेस रिस्क जो है वो आपका निकालने आता है सीएसआई नेट में। फिर उसके बाद आता है बेसियन एस्टिमेशन, यहाँ पे ऑफ होना चाहिए था, ठीक है ना?
ऑफ सम वेल नोन डिस्ट्रीब्यूशन, जो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन शायद आप लोगों को कभी पढ़ाया भी होगा, जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, गामा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, उन वेल नोन डिस्ट्रीब्यूशन का अपन क्या निकालेंगे यहाँ पे, बेसियन एस्टीमेशन निकालेंगे। किस तरह से निकालेंगे, जब अपन पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को। फिर उसके बाद निकालेंगे बेसियन इंटरवल एस्टीमेशन, यानी कि जो क्रेडिबल इंटरवल होता है उस तरह से जो निकालते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे हम कवर करेंगे। ठीक है ना, मेन एक्चुअल में ये तो टॉपिक है जो हम कवर करने वाले हैं। बेसिन इन्फ्लुएंस जब अपन पढ़ रहे हैं तो अपन को बेसिन अप्रोच तो पता होना चाहिए ना पहले, कि एक्चुअल में ये है क्या, क्यों हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला अपन बेसिकली काम स्टैटिस्टिक्स में काम क्या होता है कि कोई भी पॉपुलेशन से अपन ने एक सैंपल निकाला, उसका कुछ पैरामीटर होगा हमारा उस पॉपुलेशन का, उस पॉपुलेशन को क्या करते हैं अपन एस्टिमेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सैंपल। क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ सैंपल अपन क्या करते हैं उसको एस्टिमेट करते हैं, जिसमें कई सारे मेथड अपन ने पढ़े हैं, जैसे मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर हो गया, मेथड ऑफ मूवमेंट्स हो गया। तो इन मेथड से अपन क्या करते हैं पैरामीटर का एस्टिमेट करते हैं। इस प्रोसीजर यानी कि इस अप्रोच को क्या बोलते हैं अपन, इस अप्रोच को अपन क्लासिकल अप्रोच ऑफ एस्टिमेशन बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स में। ठीक है, क्या होता है क्लासिकल अप्रोच, लेकिन यहाँ पे अपन को क्लासिकल अप्रोच ना पढ़ के यहाँ पे अपन को पढ़ना है बेसियन अप्रोच, क्योंकि देखो हर चीज में हर मेथड में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, उसकी वजह से हम क्या करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्लासिकल अप्रोच की बात करते हैं तो पैरामीटर में क्या होता है कि एक आइडिया मिलता है, एक पर्टिकुलर यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू तो अपन को मिलती नहीं, एक मिल जाता है कि हाँ ये वैल्यू हो सकती है इसकी। ठीक है, और उसमें एक इंटरवल एस्टिमेशन भी होता है, तो एक पता चल जाएगा कि वो इंटरवल यहाँ से यहाँ तक लाइक कर रहा है। ठीक है ना, तो वो कॉन्सेप्ट क्लासिकल में होता है, बट यहाँ पर बेसियन अप्रोच में क्या होता है, बेसियन अप्रोच में क्या करते हैं कि काम वही करते हैं हम अपने पैरामीटर को एस्टिमेट करने का, बट उसमें अपन क्या करते हैं अपना जो पैरामीटर होता है उसको अपन वेरिएबल मान के चलते हैं। क्या करते हैं, उस पैरामीटर को अपन वेरिएबल मान के चलते हैं। वेरिएबल मानने का मतलब क्या हुआ कि वो वेरी कर सकता है बेसिकली, और हम क्या करते हैं उसमें प्राय इन्फॉर्मेशन, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो स्टैटिस्टिशियन है उन्होंने पहले कभी कोई एक्सपेरिमेंट करा होगा, उस पैरामीटर को एस्टिमेट करा होगा। ठीक है ना, तो उस ओल्ड इन्फॉर्मेशन यानी कि पुरानी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे क्या करते हैं यूज करते हैं, उस पुरानी इन्फॉर्मेशन को यानी कि ओल्ड इन्फॉर्मेशन को अपन क्या बोलते हैं प्राय इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, उस इन्फॉर्मेशन यानी कि प्राय इन्फॉर्मेशन जो पहले कभी एक्सपेरिमेंट करके हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी होगी, उस इन्फॉर्मेशन का यूज करके आगे हम एस्टिमेट करते हैं, ये हम अप्रोच करते हैं बेसियन में। ठीक है, कभी तो होता क्या है अपन को एस्टिमेट करना होता है तो अपन क्या करते हैं पॉपुलेशन में से तो सैंपल ड्रॉ करते हैं, तो सैंपल ड्रॉ करने के पहले अपन क्या करते हैं जो ओल्ड इन्फॉर्मेशन है, किसी ने कोई एक्सपेरिमेंट करा होगा, उस इंफॉर्मेशन को पहले कलेक्ट करते हैं, उसका यूज करके हम यहां पे यूज करते हैं। ठीक है ना, चलिए क्लियर हुआ ना कि बेसिकली हमारा बेसिन अप्रोच क्या ही होता है कि यहां पे बेसिकली अपन क्या करते हैं ओल्ड यानी कि प्राय इंफॉर्मेशन का यहां पे यूज करके आगे हम निकालते हैं। चलो ठीक है, ये तो हो गया एक ओवरव्यू। ठीक है ना, या मैं थोड़ा सा एक डिफरेंस भी मैंने लिखा हुआ है, पढ़ सकते हो आप लोग, द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन बेसियन एंड द क्लास क्लासिकल मेथड इज दैट द पैरामीटर थीटा इज कंसीडर्ड टू बी अ रैंडम वेरिएबल। क्या कहते हैं, जो दोनों में डिफरेंस है क्लासिकल मेथड में और बेसियन मेथड में, वहां पे क्या है पैरामीटर जो होता है, देखो क्लासिकल में पैरामीटर जो होता है वो क्या होता है हमारा कांस्टेंट माना जाता है, क्या माना जाता है कांस्टेंट, और यहाँ पे बेसियन मेथड में इसको हम कैसे ट्रीट करते हैं एज अ रैंडम वेरिएबल, यानी कि एक वेरिएबल ट्रीट करते हैं जिसका एक कोई पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, ये सारी चीजें आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे समझ में आ जाएंगी, बस अभी इतने समझ लो कि बेसियन अप्रोच में क्या करते हैं प्राय इन्फॉर्मेशन का हम यूज करते हैं, और यहाँ पे जो पैरामीटर होता है जिसको अपन एस्टिमेट करते हैं बेसिकली, वो हमारा एज अ रैंडम वेरिएबल ट्रीट किया जाता है। कैसा क्या ट्रीट किया जाता है, रैंडम वेरिएबल ट्रीट किया जाता है। चलिए अब पहले बात करेंगे बेस थ्योरम, जहां से हमारा इसका अप्रोच शुरू हुआ था। ठीक है, उसकी बात करते हैं पहले, फिर उसके बाद हम अपने प्राय पे आएंगे। तो बेस थ्योरम सबसे पहले तो होती क्या है हमारी, ठीक है, पहले हम बात करते हैं बेस थ्योरम होती क्या है हमारी। ठीक है, तो बेस थ्योरम क्या कहती है, जैसे फॉर एग्जांपल इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ कि हमारे पास कुछ इवेंट्स हैं, क्या है इवेंट्स का मतलब कुछ चीजें हो रही हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारे पास तीन बैग हैं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, क्या है तीन बैग हैं, तीनों में कुछ कलर्स की बॉल है, मान लो पहले बैग में भी रेड और ब्लू, रेड और ब्लैक है, ठीक है, दूसरे में भी रेड और ब्लैक है, तीसरे में रेड और ब्लैक है। हमें क्या करना है, हमने एक बॉल निकाली, क्या निकाली, एक बॉल निकाली, ठीक है, अब वो रेड कलर की निकल के आई, किसकी कलर की निकाली, रेड कलर की, ये हमको पता है कि अपन ने बॉल निकाली वो रेड कलर की, ये हमारा क्या है, ये इवेंट हो गया है, ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, क्योंकि मैंने बोला कि एक बॉल निकाली है जो अपन ने देखी वो रेड कलर की है। अब इस इवेंट का जो बॉल है जो अपन ने निकाली वो बैग यानी कि अर्न वन से भी हो सकती थी, टू से भी हो सकती थी, और थ्री से भी हो सकती थी, हो सकती कि नहीं हो सकती थी। तो हमने क्या किया, हमें बताना है इसमें, हमको बताना है कि जो हमने रेड कलर की बॉल निकाली है वो किस बैग में से या फिर किस अर्न में से निकाली है, उसकी प्रोबेबिलिटी।
ठीक है ना। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें प्रायर इन्फॉर्मेशन यूज कर रहे हैं। कैसी प्रायर इन्फॉर्मेशन यूज कर रहे हैं कि पहले तो सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे प्रायर इन्फॉर्मेशन क्या हुआ कि जैसे बॉल निकाली हमने, ठीक है, रेड कलर की। अब बैग वन में से जो निकली बॉल तो वो क्या कहलाएगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसे समझाऊ आपको, हमारे पास तीन बैग है, अर्न वन, अर्न टू और अर्न थ्री, ठीक है। तीनों में कुछ बॉल्स है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मान लेते हैं पांच रेड बॉल है और पांच ब्लू बॉल है, ठीक है ना, ब्लैक मान लेते हैं, ठीक है, सही रहेगा। और इसमें मान लेते हैं सिक्स रेड बॉल है, ठीक है ना, फोर ब्लैक बॉल है, ठीक है ना, और यहाँ पे मान लेते हैं थ्री रेड बॉल मान लेते हैं और सेवन जो है ब्लैक बॉल मान लेते हैं, समझे बात, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमने क्या किया, वन बॉल इज ड्रॉन, ठीक है, वन बॉल इज ड्रॉन इज ऑफ रेड कलर, ठीक है, क्या किया हमने, एक बॉल निकाली रेड कलर की, ठीक है, जो किसमें से निकली होगी पता नहीं, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें बताना है कि ये बॉल जो निकली है वो किस बैग में से निकली है। अपन को क्या बताना है, अपन को बताना है प्रोबेबिलिटी कि ये जो रेड कलर की बॉल है वो किस में से निकली है, वन में से निकली है, टू में से निकली है, थ्री में से। मैं पूछूं वन में से निकली है उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, तो ये हमको बताना है, ये हमारा बेसियन है, ठीक है। अब इसमें हम यूज क्या करेंगे, इसमें हम किस चीज की प्रोबेबिलिटी यूज करेंगे, हम यूज करेंगे कि बॉल जो है इसमें से निकले, ठीक है, हम क्या निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी, देखो यहां, ओके सेकंड, देखो हम यहां पे यूज करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन इवन। अब यहां पे ए गिवन इवन क्या है, देखो ध्यान से, इसको हमने इवेंट वन मान लिया, कोई दिक्कत तो आई है, इसको मान लिया हमने इवेंट टू, ठीक है, इसको मान लिया हमने इवेंट थ्री, ठीक है। अब यहाँ पे जो रेड कलर की बॉल निकाली है, दिस रिप्रेजेंट अ ए इवेंट, ठीक है, ए गिवन इवेंट का मतलब समझना ध्यान से, ए का मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन इज ऑफ रेड कलर, यानी कि जो रेड कलर की बॉल निकली है वो ए, यानी कि हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि रेड कलर की बॉल जो है वो किसमें से निकल रही है, पहले इवेंट में से, यानी कि अर्न वन में से, ठीक है। तो ये हमारी प्रायर इन्फॉर्मेशन हो गई कि हमने क्या किया, रेड कलर की पोल्टी देख रहे हैं कि अगर हम अर्न वन में से अगर रेड कलर की पोल्टी निकल, यानी कि रेड कलर की बॉल निकाल रहे हैं, तो उसकी पोल्टी जो है वो प्रायर इन्फॉर्मेशन कहलाएगी, ठीक है। और मैं बात करूं किसकी, पोल्टी ऑफ ए गिवन ई टू, ये भी क्या है हमारी, ये भी हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर की बॉल की है, बट वो किसमें से, अर्न टू में से, यानी कि दूसरे बैग में से। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई थ्री, ये भी क्या है हमारी, रेड कलर की होने की, यानी कि रेड कलर की बॉल जो निकले उसी की प्रोबेबिलिटी है, बट कंडीशन ये है कि वो अर्न थ्री में से निकली। अब ये प्रायर प्रोबेबिलिटी क्यों कहलाई, क्योंकि अपन ने क्या बोला मैंने कि बॉल रेड निकल गई है, ठीक है, निकल चुकी है, ठीक है, तो निकल चुकी है इसका मतलब वो चीज हमें पता चल गया कि वो हो गया, ठीक है। उसके पहले अपन ने कुछ चांसेस माना होगा ना कि क्या चांसेस हैं कि इसमें से निकले, इसमें से निकले, इसमें से, तो ये जो प्रोबेबिलिटी कहलाएगी ये प्राय प्रोबेबिलिटी कहलाएगी, ठीक है। अब इसमें पोस्टियर प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि हमने बॉल निकाल ली, वो चीज क्या हो गई, गिवन हो गई, तो हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन गिवन ए, क्या इवन गिवन ए, तो ये क्या होगा, ये बता रहा है कि इवेंट ए हो चुका है, यानी कि रेड कलर की पोल्टी हो चुकी है, कि वो किस में से हुई है, वन में से, टू में से या थ्री में से, दिस इज नोन एज पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। बात समझ में आई, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए इन चीनों का यूज करेंगे, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं बेस थ्योरम, ठीक है। अब उसका फॉर्मूला क्या होता है उसको मैं लिख देता हूं यहां पर, ठीक है ना, इसको मैं रफ कर दूं, किसी को कोई समस्या तो नहीं है, ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूं, बताता हूं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। जैसे कि हमारे पास तीन इवेंट थे, हमारे पास इफ वी हैव इवेंट वन, इवेंट टू, इवेंट थ्री, डॉट डॉट इवेंट एन, मान लेते एन इवेंट है, ठीक है, आर एन इवेंट्स, ठीक है, देन और साथ में हमारे पास क्या है, एक आर्बिट्री इवेंट है ए, ए बी एन ई आर्बिट्री इवेंट, ठीक है, सच डेट ऐसा इवेंट होना चाहिए ये जो ए हो वो क्या हो, सबसेट हो किसका, यूनियन ऑफ इवेंट्स का, ठीक है ना। अब यहां पे क्या करना है अपन को, प्रोबेबिलिटी बताना है कोई भी इवेंट की, ठीक है, क्या बताना है, प्रोबेबिलिटी बताना है किसी भी एक इवेंट की, गिवन डेट की वो इवेंट ए हुआ हो, क्योंकि इवेंट ए जो है वो यूनियन ऑफ ई में, यानी कि किसी में भी हो सकता है, सब में हो सकता है, ठीक है, विच इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इन टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई आई, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, इसको अपन ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, ठीक है ना।
नाउ अब मैं बात करता हूं इस पे बेस्ड क्वेश्चन की, ताकि आपको क्लियर हो जाए कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। चलिए देखिए, देखो क्या बोला है क्वेश्चन, देयर आर फोर लेवल्ड U1, U2, U3 एंड U4। क्या बोला है, चार लेवल करेंगे, यानी कि हमारे पास चार मान लेते हैं बैग है या फिर अर्न है, जिसमें ईच कंटेन थ्री ब्लू बॉल फाइव रेड बॉल, यानी कि इन चारों में क्या है तीन, यानी कि हमने अगर लिखे यहां पर, अगर इफ वी राइट क्या कि U1 जो है उसके अंदर कितनी है, थ्री ब्लू बॉल है प्लस फाइव रेड बॉल है, ठीक है। एंड U2 में भी क्या है, क्योंकि उसने क्या बोला ईच कंटेन, यानी कि इन सब में, इसमें भी यही है, U3 इसमें भी यही है, और सिमिलरली U4 इसमें भी यही है, एंड फिर क्या बोला U5 जो है उसमें क्या है, U5 में है हमारे पास चार ब्लू बॉल प्लस चार रेड बॉल, ठीक है। ये हमारे पास कुछ दिया हुआ है इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे ध्यान देना, एन अर्न सेलेक्टेड, यानी कि कोई भी हमने अर्न इन चारों में से कोई भी सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब सेलेक्ट करने की पॉलिटी बताओ, चार बैग हमारे पास सामने रखे हुए हैं, कोई एक बैग सेलेक्ट करना है तो क्या होगी पॉलिटी बताओ जल्दी से, क्या होगी, कोई बताएगा मेरे को। चार बैग हमारे पास, सॉरी पांच बैग हमारे पास हैं, इन पांच में से अगर कोई एक बैग को सेलेक्ट करना है, एक अन को सेलेक्ट करना है, तो उसकी पॉलिटी क्या होगी, कोई बता पाएगा, एनीवन, किसी को पता है क्या होगा, इन पांच में से किसी एक अन को अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो उसकी पॉलिटी क्या होगी, बोलिए किसी को पता है, एनीवन, अब सिंपल सी बात है, पांच चीजें हैं, ठीक है, एक सेलेक्ट करना तो क्या होगा, फेवरेट वन हो गया, टोटल फाइव हो गया, तो वन बाय फाइव हो गया सिंपल, ठीक है। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ UI इज इक्वल टू कितना होगा, 1/5 फॉर एवरी आई बिलोंग टू 1, 2, up to 5 तक, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या है, उसने बोला है गिवन दैट द सेलेक्टेड बॉल इज रेड, क्या बोला कि हमने, सॉरी पूरा पढ़ा नहीं अपन ने, यहाँ पे अ अर्न इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम दीज फाइव अर्न्स अ बॉल इज ड्रॉन, इन पांच में से कोई एक अर्न को सेलेक्ट करा, फिर हमने क्या किया, एक बॉल को सेलेक्ट करा, जो बॉल निकल के आई है वो कौन सी निकल के आई है, रेड कलर की, ठीक है। तो हमने एक आर्बिट्री इवेंट मान लिया जो रिप्रेजेंट कर रहा है रेड कलर को, समझे बात को कि नहीं, ठीक है। अब उसने बोला है कि पोल्टी बताओ कि जो रेड कलर की बॉल आई है वो किसमें से आई है, U5 में, सो आपको क्या निकालना है, पोल्टी ऑफ U5 गिवन A निकालना है, बात समझ गए कि नहीं समझ गए, निकालना क्या है अपन को, ठीक है। अब इसमें क्या है, इवेंट की पोल्टी निकालनी है, कंडीशन है कि जो बॉल है वो निकल चुकी है, दैट मीन्स अपन को पोस्टिव पोल्टी निकालनी है, देन वी कैन से दैट वी कैन यूज हियर व्हाट, क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पे, बेस्ड रूल यूज कर सकते हैं अपन लोग, कैसे यूज कर सकते हैं, क्या होता है, That is polarity of U5 into polarity of A given U5. और यहाँ पे कोई बताएगा मेरे को polarity of A given UI क्या represent करता है? क्या कोई बताएगा polarity of A given UI क्या represent करता है? बोलिए polarity of A given UI क्या represent करता है? This represent the prior probability of what? Of the event A. ठीक है? डिवाइडेड बाय पॉलिटी ऑफ ए, और पॉलिटी ऑफ ए क्या है, लॉ ऑफ टोटल पॉलिटी, यानी कि रेड कलर की पॉलिटी निकलने की, रेड कलर की बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, टोटल पॉलिटी। तो इसको क्या बोलेंगे, कैसे आएगा, दैट इज 1/5 इनटू ए गिवन U5, यानी कि रेड कलर की बॉल किसमें से निकली हो, U5 में से, तो रेड कितनी है, चार है, टोटल कितनी है, आठ है, तो कितना आ जाएगा, 4/8 होगा, डिवाइडेड बाय क्या आएगा, डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, अब सभी के लिए आएगा, इवेंट वन के लिए, टू के लिए, थ्री के लिए एंड फोर के लिए प्रायर, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, दैट इज 1/5 इनटू व्हाट, U1 के लिए लिखेंगे पहले, U1 में कितना है, 5/8, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इन चारों में तो सेम ही है, तो इनटू चार कर दें, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, इसमें नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। तो यहाँ पे आएगा 1/5 इनटू 5/8 इनटू इनटू क्यों आएगा, अब इसमें इसमें क्यों आएगा, दिस इज 4/8, ठीक है। तो अब इसको 1/5 कैंसिल हो गया, बाकी सिंप्लीफाई आप लोग कर ही लोगे,
ठीक है ना। तो इससे आप जो करोगे तो वो आपको क्या मिल जाएगी, प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी कि यू फाइव में से हमने बॉल को ड्रॉ करिए। यही कॉन्सेप्ट बेस थ्योरम का है, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस आगे हमने क्या कर रहा है अपने पैरामीटर का। ये तो प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट हो गया बॉल का। अब हम यही कॉन्सेप्ट क्या करते हैं अपने रेंडम वेरिएबल में यूज करते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम बेसियन इन्फ्रेंस। वहां पे अपन पैरामीटर को एस्टिमेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ बेसियन अप्रोच। दैट्स व्हाई वी कैन से This is Bayesian inference, ठीक है? चलिए बात करते हैं Bayesian inference में अब actual में क्या है हमारा, ठीक है ना? देखो ध्यान से, सबसे पहले बात आती है prior और posterior quality होती क्या है, तभी तो अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो देखो सबसे पहले तो क्या है, कोई एक random sample population में जो sample निकाला होगा, ठीक है ना? तो suppose x, that is x1, x2, xn, यानी कि उसके अंदर n sample होंगे, ठीक है? Is a random sample from a population specified by the density. अब कोई population है, तो simple सी बात है, उसका कोई probability function भी तो होगा कि नहीं होगा, ठीक है? तो उसका probability function मान लिया क्या है? That is f of x, theta है, जिसमें theta जो है, उस population का क्या है? Parameter है, ठीक है? And it is required to estimate theta. हमने क्या बोला? कि हमारे पास एक sample है, जो हमने किसी एक particular specified population में से निकाला है, जिसका हमको क्या दिया हुआ है? Probability density function दिया हुआ है, and उसका use करके हमें क्या करना है? उस sample का use करके हमें estimate करना है अपने parameter को, जो कि theta से represent कर रहा है, ठीक है? Now, फिर उसके बाद क्या बोले? As a result of the parameter, क्या बोला है? As a result of the parameter, theta being a random variable, क्या? Bayesian approach use कर रहे हैं, that means we are using that theta is a random variable, यानी कि parameter जो है वो random variable है। अगर हमारा classical approach होता तो उसमें हम इसको क्या मानते हैं? Constant मानते हैं, ठीक है? it will have a distribution, क्या? अब जब वो random variable है तो हर random variable की corresponding उसका एक कोई क्या होता है? Distribution होता है, यानी कि एक probability function होता है। तो मान के चलेंगे parameter क्या है? Random variable है, then we can say that it will have a distribution, ठीक है? और ये distribution कैसे पता चलेगा? ये prior information, इसका जो distribution होगा parameter का, उसको अपन क्या बोल देंगे? Prior बोल देंगे, क्या बोल देंगे? Prior distribution। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ the distribution of the parameter, the distribution of the parameter को ही क्या बोलते हैं हम? Prior distribution बोलते हैं, ठीक है? Is a prior distribution, prior का मतलब क्या होता है? पहले, ठीक है? ये पता कैसे चलेगा? ये अपन को पता चलेगा कि किसी दूसरे बंदे ने कभी कोई एक्सपेरिमेंट करा होगा, तो उसमें जो इंफॉर्मेशन मिली होगी उसके अकॉर्डिंग अपन ने यहाँ पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखा होगा, इसलिए इसको प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद बोला है दिस अलाउ द यूज ऑफ एनी नॉलेज अवेलेबल आउट द पॉसिबल वैल्यू ऑफ थीटा। ये हमें क्या देता है? सारी नॉलेज देता है, जो भी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है हमारे पैरामीटर थीटा के बारे में बिफोर द कलेक्शन ऑफ एनी डेटा। क्या करेंगे? बिफोर एनी कलेक्शन का मतलब, यानी कि सैंपल ड्रॉ करने के पहले हमें ये बात देखेंगे, ठीक है? This knowledge is quantified by expressing it as a prior distribution, जो मैंने अभी बोला आपको कि इसको हम quantified कर देंगे as a prior distribution में, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? Prior distribution। इतनी बात सभी लोगों को समझ में आ गई? अगर समझ आ गई तो मेरे को फटाफट जल्दी से फटाफट सब लोग कमेंट बॉक्स में यस करके बता दो यहां तक prior और posterior सभी लोगों को क्लियर है। क्या सभी लोगों को prior posterior distribution क्लियर है या नहीं है? अगर किसी को इसमें कोई डाउट है, कोई समस्या है तो पूछ सकता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, चलिए प्रायर पोस्टर हो गया, उसके बाद देखते हैं क्या है अब हमारे पास। अब उसने क्या बोला है? कंटिन्यूस प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन। अब प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन जो पैरामीटर है, इट कैन बी डिस्क्रीट और इट कैन बी कंटिन्यूस, ठीक है ना? तो पहले हम बात करेंगे कंटिन्यूस की, फिर उसके बाद डिस्क्रीट की, फिर उसके बाद टाइप पे आएंगे, क्योंकि टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है प्रायर के, ध्यान रखना, ठीक है ना? गीता बोले गुड इवनिंग सर, मैथमेटिक्स वाले पढ़ सकते हैं? हाँ बिल्कुल, सभी लोग पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि आप मैथ पढ़े हैं तो नहीं समझ में आएगा। बट थोड़ा सा क्या है ना, आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना पड़ेगा ताकि आपको कंफर्टेबल, क्योंकि इसमें हम जब यूज करेंगे ना, क्या यूज करेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन आप लोगों ने शायद मेरे हिसाब से 12th क्लास में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत बाइनोमियल पॉइजन वगैरह के बारे में, ठीक है? तो वो उसकी नॉलेज, तो फिर उसके लिए अपन एक अलग से सीरीज लाएंगे, तो आप लोगों को मैं डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी समझा दूंगा, ठीक है? कोई प्लेलिस्ट भी होगी मेरे IFS मैथ्स पे, ठीक है? तो आप वो प्लेलिस्ट देख सकते हैं, तो सारी डिस्ट्रीब्यूशन की नॉलेज आपको मिल जाएगी, तो इस टॉपिक को समझने में और आसानी, क्योंकि यहाँ पे यहाँ तक तो ठीक है, आगे जब अपन पढ़ेंगे ना तो इसमें कई सारी मैं बोलूंगा कोई वेल नोन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, नॉर्मल के बारे में, गामा के बारे में, एक्सपोनेंशियल के बारे में, तो ये आपको पता होना चाहिए, उसका PDF यानी कि कोई फंक्शन पता होना चाहिए, तभी निकाल पाओगे। अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे मैं लिखा दूंगा कि इसका ये होता है, इसका ये, तो आप उसको याद कर सकते हो, इसमें लगा सकते हो, तो आपका क्वेश्चन एक डेफिनेटली पक्का हो जाएगा, ठीक है ना?
चलिए तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा, ये याद रखना, जो मैथ्स वाले स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए ये प्लस बोनस पॉइंट होगा, ये समझ लेना ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है, कंटीन्यूअस प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात कर रहे थे, क्या बोला, एक्स यानी कि ये कोई एग्जांपल दिया हुआ है जिसका साइज होगा एन फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फ्रॉम अ पॉपुलेशन स्पेसिफाइड बाय दिस। अब वो सैंपल है, रैंडम पॉपुलेशन सैंपल है, तो वो किसी डिस्ट्रीब्यूशन से निकाला ना, तो उसका कोई पीडीएफ होगा, तो ये हमारा ये है ठीक है, क्या है, दिस इज एंड थीटा इज द प्रायर डेंसिटी फंक्शन, थीटा जो है वो हमारा प्रायर डेंसिटी फंक्शन है, बात समझ में आ गई यहाँ तक, ठीक है ना, ये तो आप ऑलरेडी अपन बता ही चुके थे। मेन बात क्या आती है कि प्रायर अपन को पता है, क्या है, प्रायर अपन को पता है, लेकिन निकालना क्या है अपन को, अपन को पोस्टीरियर निकालना है, यानी कि आगे वाले, यानी कि एस्टिमेट करना है, तो एस्टिमेट करने के लिए जो आगे वाला पैरामीटर होगा जो सैंपल पे डिपेंड करेगा, देखो फॉर एग्जाम्पल हमने ओल्ड इन्फॉर्मेशन पे बेस हमने क्या कर दिया, ओल्ड इन्फॉर्मेशन पे बेस हमने एक पैरामीटर, यानी कि एक पैरामीटर था, उस पर हमने डिस्ट्रीब्यूशन बनाया, ठीक है, जो किसी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन अपन ने एक नया, यानी कि जो अपने पास पॉपुलेशन है उसमें से एक नया सैंपल निकाला, उस पर कुछ नॉलेज मिलेगी, ठीक है, तो अपन को क्या करना है, एक नया डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है जो किसका हो, पैरामीटर का हो, बट वो कंडीशन क्या हो, सैंपल पे बेस्ड हो हमारा, ठीक है। अभी अपन क्या बता रहे थे, एफ ऑफ थीटा, ये हमारा क्या था, दिस इज द डेंसिटी फंक्शन ऑफ द प्रायर, ठीक है। अब अपन को बताना है पाई ऑफ थीटा, क्या बताना है, पाई ऑफ थीटा गिवन एक्स, गिवन यानी कि अपन थीटा की नॉलेज यूज करेंगे, साथ में जो अपन ने न्यू पॉपुलेशन में, यानी कि सैंपल में से सैंपल निकाला है उस पे बेस, तो इसको क्या बोलते हैं हम, पोस्टीरियर, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, पोस्टीरियर। अब पोस्टीरियर निकालते कैसे हैं वो समझना पड़ेगा अपन को, यस सर बता दीजिए, थैंक्स सर, ओके गुड इवनिंग यीशु, ठीक है ना। और फटाफट सभी लोग शेयर भी कर दीजिए, ताकि जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे ना उतना ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा, और इसी तरह से आप लोगों के लिए लेक्चर लाते रहेंगे हम लोग, ठीक है ना। सभी लोगों को ये विजिबल है ना, एक बार मेरे को बता दो सभी लोगों को ये विजिबल है या नहीं है, देखो कैसे निकालेंगे, ये बहुत अच्छे समझ लेना, पोस्टीरियर डेंसिटी कैसे निकालते हैं, अगर ये समझ गए तो आगे बहुत ज्यादा स्मूथ रहेगा, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, कैसे निकालते हैं, द पोस्टीरियर डेंसिटी ऑफ किसका निकालना है, थीटा का पैरामीटर को तो निकालना है, कंडीशन क्या होनी चाहिए, सैंपल पे बेस्ड, बट आई एम द स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स ओनली नॉट स्टैटिक्स, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बोला आप लोगों से कोई दिक्कत नहीं है, बट आप लोग जैसा मैं बोलता जाऊं करता जाऊं कोई दिक्कत नहीं होगी, बस चीजें क्या है थोड़ी सी आप लोगों को याद करनी पड़ जाएंगी इसलिए, ठीक है। तो उस याद करने के लिए कुछ मैं फॉर्मूले लिख दूंगा, तो आप लोगों के लिए कंफर्टेबल होगा, स्टैट्स वाले होंगे उनको पहले से ऑलरेडी पता होगा, लेकिन वो चीज आप लोगों को पहले से अब करना पड़ेगा, तो बस इतना फर्क आएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। गुड इवनिंग प्रिया वर्मा, देखो प्रिया वर्मा, अब प्रिया वर्मा को सी एस आई नेट के कुछ क्वेश्चन चाहिए था, मतलब जो लास्ट एग्जाम हुआ था उसका, ठीक है ना, उसके सॉल्यूशन आप लोगों को जल्दी मिल जाएंगे, ठीक है ना, टेंशन मत लेना, ठीक है, टाइम नहीं मिल रहा है इसलिए से आपकी लेक्चर सीरीज, ठीक है, फ्राइडे और सैटरडे को आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ थीटा गिवन एक्स, यानी कि ये क्या है, या फिर एफ लिखते हैं कभी कभी मैं पाई लिखता हूँ यहाँ पर, ठीक है, दोनों नोटेशन चल जाता है, क्या है, पाई भी मैं लिखता हूँ कभी कभी, कभी कभी मैं क्या लिखता हूँ, नोटेशन कोई भी चलता है, ठीक है ना। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, देखो कभी भी याद रखना, अगर सिंपल थीटा लिखा है तो वो रिप्रेजेंट करेगा प्रायर को, किसको रिप्रेजेंट करेगा, प्रायर को, और अगर थीटा गिवन एक्स लिखा है यानी कि एग्जांपल, तो वो रिप्रेजेंट करेगा पोस्टीरियर, पोस्टीरियर का मतलब समझ रहे हो कि आने वाले, यानी कि आगे का प्रोडक्शन जो करता है, ठीक है, पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी को बताएगा, ठीक है, पोस्टीरियर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे निकालते कैसे हैं, अब ये क्या है, एक तरह से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका होता है ज्वाइंट डिवाइडेड बाय मार्जिनल, तो क्या करेंगे, ज्वाइंट किस किस का देखेंगे, पैरामीटर थीटा का और सैंपल का, ठीक है, डिवाइडेड बाय मार्जिनल का मतलब यानी कि जो गिवन है उसका पीडीएफ, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा, जैसे कि मैंने अभी बताया, यहाँ पे समझना ध्यान से, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन गिवन ए, बेस टर्म का कौन सा भी यूज कर रहा हूं मैं, देखना ध्यान से, ठीक है, क्या आता है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन इवन डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ, यही था हमारा बेस टर्म, था कि नहीं था। अब यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया है, इवन गिवन ए, तो यहाँ पे क्या लिखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन इवन, ये आ गया, ए गिवन, ए गिवन मतलब सैंपल है जो हमारा, गिवन इवन इनटू एफ ऑफ थीटा, यानी कि जो पैरामीटर, यानी कि जो पहली इंफॉर्मेशन पता है, ठीक है, डिवाइडेड बाय P of A, यानी कि सैंपल स्पेस, समझ गया बात को। तो ये बेस थ्योरम का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज क्या हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है दिस रिजल्ट इज लाइक अ कंटीन्यूअस वर्जन ऑफ बेस थ्योरम,
ठीक है ना, समझ गए। मेन कॉन्सेप्ट ये समझ लो कि किस तरीके से हम पोस्टीरियर निकालते हैं। एक मैं आपको एग्जांपल करके बता दूंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल करके बता रहा हूं, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है ना। शशिकांत गुड इवनिंग, देखो एग्जांपल देख लो फटाफट से, जस्ट अ मिनट, मैं एग्जांपल देख लूं, एक मिनट। कहां चला गया भाई एग्जांपल, जस्ट अ मिनट, बस एक सेकंड रुकेंगे सभी लोग, ठीक है। चलिए देखो एग्जाम्पल क्या है, समझना ध्यान से, ठीक है, किस तरह से करना है। जस्ट अ मिनट, देखो क्या है, द एनुअल इनकम, द एनुअल नंबर ऑफ क्लेम, नहीं यहां पर थोड़ा सा चेंज कर देता हूं मैं, ठीक है ना, यहां पर द एनुअल नंबर ऑफ क्लेम, ठीक है ना, नंबर ऑफ क्लेम्स अराइजिंग अराइजिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर, फ्रॉम अ पर्टिकुलर, फ्रॉम अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पॉलिसीज, ग्रुप ऑफ पॉलिसीज, फॉलोज follows a poison process, poison distribution, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ लोगों को पता होगा poison distribution क्या होता है और कुछ लोगों को नहीं पता होगा, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मैं आपको बता दूंगा कि poison distribution कब यूज होता है और कब इसका क्या probability mass function होता है, ठीक है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है द प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ म्यू, ठीक है, म्यू क्या है यहाँ पर, दिस इज पैरामीटर, ठीक है ना, इज एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल, ठीक है ना, विथ मीन 30, विथ मीन 30, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, इन द प्रीवियस टू इयर्स, इन द प्रीवियस टू इयर्स, the number of claims, the number of claims arising from the group were 28 and 26, okay, respectively, ठीक है। निकालना क्या है आपको, डिटरमाइन दी पोस्टीरियर, पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट पैरामीटर म्यू, ठीक है ना। अब देखो समझो क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है, द एनुअल नंबर ऑफ क्लेम अराइजिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पॉलिसी फॉलोज, ठीक है, यानी कि क्या बोल रहा है कि जो एनुअली नंबर ऑफ क्लेम, जो बात कर रहा हूँ पॉलिसीज की, ठीक है, वो कितना किसको फॉलो कर रहा है, पॉइजन को फॉलो कर रहा है। तो यानी कि ये एक सैंपल हुआ ना हमारा,
ठीक है, कि हमारा क्या हो रहा है, सैंपल हो रहा है, किसको फॉलो कर रहा है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के मैं बारे में थोड़ा सा बता दूं आप लोगों को, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे फॉलो कर रहा है, एक्स फॉलो कर रहा है पॉइजन को, ठीक है, जिसका पेमिटम म्यू है। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है वो क्या होता है, ये हमारा होता है ई टू डी पावर माइनस का लेमडा, यहाँ पे लेमडा नहीं है, यहाँ पे म्यू है, तो म्यू देखेंगे हम, यहाँ पे क्या है म्यू, ठीक है, ई टू डी पावर म्यू और म्यू टू डी पावर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल, जहां पे एक्स जो होता है वो हमारा जीरो वन टू एंड सो वन होता है, ठीक है। दिस इज द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ द प्रोबेबिलिटी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। इससे अपन क्या कर सकते हैं, पॉइजन प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारा एक्स फॉलो कर रहा है पॉइजन का, तो यहाँ पे एक्स हमने क्या मान लिया, ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ क्लेम्स को, किसको, नंबर ऑफ क्लेम्स को। अब क्या बोला आगे उसने, द प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ म्यू, यानी कि म्यू का प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन किसको फॉलो कर रहा है, एक्सपोनेंशियल को, किसको फॉलो कर रहा है, एक्सपोनेंशियल। तो हम यहाँ पे पता चल गया कि जो म्यू है फॉलो कर रहा है एक्सपोनेंशियल को, जिसका मीन कितना है, मीन जो है वो 30 है। तो पैरामीटर कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ सीधा मैं, विद मीन 30, ठीक है ना। अब एक्सपोनेंशियल का आपको क्या पता होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल को आपको पीडीएफ पता होना चाहिए, क्या होता है, जो कि होता है जी ऑफ म्यू से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, जो कि क्या होता है थीटा इंटू ई टू डी पावर माइनस, यानी कि 1 अपॉन थीटा, यहाँ पे जो मीन होता है उसका रेसिप्रोकल, ठीक है, 1 अपॉन थीटा इंटू ई टू डी पावर माइनस का म्यू अपॉन थीटा, ठीक है, और वेयर म्यू इज ग्रेटर देन जीरो, ये हो गया प्राय, ठीक है। अब आगे क्या देखो, क्या बोला, इन द प्रीवियस टू इयर्स द नंबर ऑफ क्लेन अराइजिंग फ्रॉम द ग्रोव वर 28 and 26, यानी कि उसने क्या बोला, लास्ट टू प्रीवियस ईयर का हमने देखा है, ठीक है, यानी कि जो सैंपल है उसी की, सैंपल का मतलब क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि पॉपुलेशन में से कोई कलेक्ट करना है, तो यहाँ पे हमने लास्ट टू ईयर का देखा है, जिसमें हमें पता चल रहा है कि नंबर ऑफ क्लेम जो है वो 28 है और 26 है, क्या है, 28 है 26 है। तो हम पॉलिटी निकाल लेंगे किसकी, नंबर ऑफ क्लेम एट 26 and 28, ठीक है, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, वो हमारे लिए पॉलिटी फंक्शन किसका हो जाएगा, वो हमारे लिए सैंपल का पॉलिटी फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन निकालेंगे पहले क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 26, ठीक है, जो कि क्या आएगा, क्या है, मैंने क्या बताया फॉर्मूला, दैट इज ई टू दी पावर माइनस का म्यू, म्यू टू दी पावर 26 डिवाइडेड बाय 26 फैक्टोरियल। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 28 कितना आएगा, दिस इज ई टू दी पावर माइनस का म्यू इंटू म्यू टू दी पावर 28 डिवाइडेड बाय 28 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका हम क्या निकालेंगे, ज्वाइंट पीडीएफ, क्या निकालेंगे, ज्वाइंट पीडीएफ, और ज्वाइंट पीडीएफ को अपन लाइकलीहुड भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, एल से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि क्या हो, एफ ऑफ एक्स कॉमा थीटा भी बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं, एक्स कॉमा थीटा, थीटा नहीं है यहाँ पे, पैरामीटर म्यू है, तो यहाँ पे मैं म्यू लिखूंगा, क्या लिखूंगा, म्यू लिखता हूँ, ठीक है, तो ये म्यू हो गया। तो क्या आएगा, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 26 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 28, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ई टू द पावर माइनस का म्यू, म्यू टू द पावर 26 डिवाइडेड बाय 26 फैक्टोरियल इनटू ई टू द पावर माइनस का म्यू, म्यू टू द पावर 28 डिवाइडेड बाय 28 फैक्टोरियल। सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, ई टू द पावर माइनस का 2 म्यू इनटू म्यू टू द पावर 26 प्लस 26, 26 2 हो जाता हमारा 52, 52 प्लस 2 54 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 26 फैक्टोरियल इनटू 28 फैक्टोरियल। यहां तक तो सभी लोगों को आई थिंक सो क्लियर होगा, अगर इसमें किसी को यहां तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, यहां तक बोलिए फटाफट जल्दी से, यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है, यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है, बोलिए जल्दी से, ठीक है। फिर उसके बाद निकालना है अपन को पोस्टीरियर, तो पोस्टीरियर कैसे निकालते हैं, तो पोस्टीरियर निकालने का तरीका है, मैंने क्या बोला, पाई ऑफ म्यू गिवन सैंपल स्पेस, ठीक है, जो कि क्या आता है, दिस इज द प्रोपोर्शनल, ठीक है, क्या आता है, प्रोपोर्शनल का साइन आता है, इनटू क्या होता है, जी ऑफ म्यू, यानी कि प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन इनटू व्हाट, इनटू सैंपल का, सैंपल यानी कि कितना है, अपन ने क्या निकाला, दैट इज एफ ऑफ एक्स गिवन म्यू, ठीक है ना। तो दिस इज प्रोपोर्शनल टू, ये कितना है, म्यू किसको फॉलो कर रहा है, देखो जरा, म्यू फॉलो कर रहा था हमारा एक्सपोनेंशियल को, जिसका है 1 upon 30 into e to the power minus म्यू upon 30, ठीक है, तो क्या होगा, 1 upon 30 into e to the power minus का म्यू upon 30 into, ये तो अपन ने निकाले, ये कितना निकाला, दैट e to the power minus का 2 म्यू into म्यू की पावर कितना है 54 डिवाइडेड बाय 26 फैक्टोरियल इंटू 28। अब ये क्या है हमारा, ये प्रोपोर्शनल का साइन है, तो कॉन्स्टेंट हटा सकते हैं, तो दिस इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, क्या क्या बचेगा, ये बचेगा ई टू डी पावर माइनस का म्यू अपॉन 30 इन प्लस
प्लस टू म्यू हो गया, ठीक है, इंटू म्यू की पावर कितना हो गया 54 हो गया, कितना हो गया 54। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ई टू डी पावर एलसीएम ले लेते हैं तो माइनस का म्यू कॉमन आया तो यहाँ पे 32 हो जाएगा, नहीं 60 हो जाएगा, 61 हो जाएगा, कितना होगा 61/30 हो जाएगा, ठीक है ना, इंटू म्यू टू दी पावर कितना आ जाएगा 54 हो जाएगा। अब मेरे को कोई बता सकता है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन किसका है, ये डिस्ट्रीब्यूशन किसका है, कोई बता सकता है ये डिस्ट्रीब्यूशन किसका है, ठीक है, तो कभी भी याद रखना एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो और एक पैरामीटर यानी कि वेरिएबल का फंक्शन हो तो वो हमारा गामा होता है, तो गामा का मैं यहां लिख देता हूं क्या होता है, ठीक है ना, गामा का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो होता है ई टू डी पावर माइनस का ए एक्स, एक्स टू डी पावर लैम्डा माइनस वन डिवाइडेड बाय गामा लैम्डा इंटू ए टू डी पावर लैम्डा, तो ये हमारा क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसका गामा का, जिसमें एक्स जो है वेरिएबल है, तो कंपेयर करो तो वैसे दिख रहा है, किन दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा विच इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गामा, गामा डिस्ट्रीब्यूशन, तो अपन क्या बोल सकते हैं, अपन बोल सकते हैं कि ये हमारा पोस्टर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, गामा डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या है, गामा डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, बात समझ में आ गई किस तरह से निकालना है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है कि जो पोस्टीरियर होता है हमारा वो प्रायर और सैंपल यानी कि लाइक्लीहुड सैंपल का प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ठीक है, फिर आपको मॉडिफाइड बनाना है और देखना है कि ये कौन सा स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो, क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है, तो ये हमारा पोस्टीरियर क्वालिटी फाइंड करने का तरीका है। एक बार मेरे को फटाफट सभी लोग कमेंट बॉक्स में बता दो क्या सभी लोगों को पोस्टीरियर क्लियर हुआ, किस तरह से निकालना है, सब लोगों को क्लियर हो गया पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालना है, ठीक है ना, चलिए तो आज हमने डिस्कस कर लिया बेसिकली पोस्टीरियर क्या होता है, प्राय क्या होता है, पोस्टीरियर क्या होता है, और हमने ये देखा कि यहाँ पे प्राय जो है वो क्या था, किसको फॉलो कर रहा था, एक्सपोनेंशियल को फॉलो कर रहा था, यानी कि ये हमारा कंटिन्यूअस था, अब प्राय जो है वो हम डिस्क्रीट के लिए देखेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि प्राय के कौन कौन से टाइप हैं, बट उसको हम लेक्चर से डिफरेंट लेक्चर में करेंगे, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है, बाकी और प्रैक्टिस कर लो आप लोग, ठीक है, आपके लिए कॉन्टेस्ट अवेलेबल होगा हमारे IFAS ऐप में, ठीक है ना, तो वहां पर जाके आप क्या कर सकते हो, इस पे बेस और क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो, और अगर कोई डाउट होता है तो कल आप पूछ सकते हो, ठीक है ना, और साथ में हम कल और डिस्कस करेंगे इस पे बेस की किस तरह से पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं, फिर उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि जब अगर डिस्क्रीट प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन दिया हो तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, मेन पहले इतना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो कि पोस्टीरियर कैसे निकाला हमने कंटिन्यूस में, फिर उसके बाद हम चलेंगे किस पे, अपने डिस्क्रीट वाले पे, फिर उसके बाद टाइप ऑफ द प्राय और बाकी जो भी सारी चीजें, बट एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलोगे, क्योंकि आपको पता है कि बेसियन तो वैसे बहुत बड़ा है, एक खुद में अपने आप में सब्जेक्ट है वो हमारा, लेकिन जो आपके CSI नेट के लिए इंपॉर्टेंट है वो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आ जाता है क्या, पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हमारे निकाला बेसियन एस्टीमेशन निकालना होता है, फिर इंटरवल निकालना होता है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है बस हमारे एग्जाम के लिए, और साथ में प्रायर भी इंपॉर्टेंट है कि प्राय कौन कौन से टाइप से, और साथ में बेस रिस्क, तो ये अगर आपने टॉपिक कर लिया तो आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, और बाकी बेस श्रम मैंने आपको समझाई दिया है, तो बेस श्रम का एक क्वेश्चन बनता है, तो ऑलमोस्ट आप 2-3 क्वेश्चन इसमें से कवर कर सकते हो, ठीक है ना, क्लियर हुआ ना, तो आज के सेशन में हम यहाँ तक ही रखेंगे, बाकी डिस्क्रीट वाला कल डिस्कस करेंगे, ठीक है, और अगर आज के लेक्चर में अगर किसी को कोई समस्या है तो वो पूछ सकता है, ठीक है, तो कल का लेक्चर सेम टाइम पे सेम चैनल पे रहेगा, लेक्चर नंबर 2 जिसमें अपन डिस्क्रीट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कोई समस्या है किसी को, बोलिए, किसी को कोई समस्या आज से लेक्चर में, पोस्टीरियर कैसे निकालना समझ में आया, प्राय क्या होता है, पोस्टीरियर क्या होता है, बेस टर्म क्या होता है, उस पर एग्जाम्पल और कर लेना आप लोग, ठीक है ना, तो सारी चीजें और क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, चलिए तो आज के इतना ही रखते हैं, अगर कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना, और फिर भी अगर किसी को कोई लगता है डाउट तो पूछ सकता है अभी भी, ठीक है ना, चलिए ग्रेट, सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी लर्निंग। बस प्रैक्टिस करते रहिए इसके बस क्वेश्चन को, ठीक है ना, अभी भी किसी को अगर कोई समस्या है तो पूछ सकता है, ठीक है ना,
बाकी कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट कर देना, तो मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है ना। ग्रेट, ओके।